अपना ध्यान खुद अपना इनफ हो, स्मार्ट हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, ठीक है? तो बच्चों वाली आपके साथ ट्रीट हम नहीं करेंगे कि बार बार बताते रहेंगे। तो कभी क्या देखते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अचानक ये बारिश हो जाती है। जैसे बारिश थी 2 दिन, काफ़ी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वगैरह बढ़ा हुआ था, पसीने आ रहे थे, गर्मी थी, और अचानक आज क्या हुआ, बारिश हो गया। तो बारिश होने की वजह ये क्या है, यही वेदर है, जो टाइम टू टाइम एकदम कम शॉर्ट टाइम में मौसम जो चेंज हो जा रहा है, ठीक है? हाँ, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको ही वेदर बोलते हैं, ठीक है? वेदर टेम्प्रोरी होता है, क्लाइमेट क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? 20 20 साल ऐसे लगते हैं क्लाइमेट चेंज होने में। तो क्लाइमेट, हाँ लिखेंगे लिखेंगे, सारा लिखेंगे। लिखो, वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे, लिखो, डे टू डे कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो ये जनरली क्या है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन ये बताता है। वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हर घंटे हर दिन जो बदलता रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ठीक है, कभी टेम्परेचर राइज हो गया, कभी घट गया, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो कभी बारिश हो गई, कभी पत्थर गिर गए, तो ये वेदर है। तो ये आप अक्सर आप देखते होंगे, कहीं बारिश नहीं हो रही है तो लोग आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी। क्यों? क्योंकि उस पर एग्रीकल्चर टिका हुआ है, ठीक है? अगर ये आपका एरोप्लेन वगैरह जो उड़ता है, इनका फ्लाइट जो शेड्यूल होता है, इनका वेदर मेट्रोलॉजी से इनका लिंक होता है। मेट्रोलॉजी पहले ही एडवांस में बता देता है, एक दिन पहले ही, कि वेदर कल कैसा रहने वाला है, उसके अनुसार जो भी है फ्लाइट प्लान होगी। अगर कुछ आंधी तूफान आने वाला है तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वेदर का है, ठीक है? अगर मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप हिली रीजन में जा रहे हो, हिमालय में जा रहे हो, और प्लान कर रहे हो टूर का, बरसात में कर लिए, तो बरसात में क्या होता है, अचानक कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आई तो लैंडस्केप हो, लैंडस्केप होगा तो कहीं भी लैंडस्केप हो गया मतलब पहाड़ टूट के रोड को ब्लॉक कर देगा। रोड को ब्लॉक करने की वजह से जिधर हो उधर ही रह जाओगे, उधर दूसरे साइड जा नहीं पाओगे। तो कई बार रेस्क्यू में आने में टाइम लगता है, हो सकता है आपको बिना खाए पिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी रहना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसलिए वैसे जगह पे जाने से पहले हम पता कर लेते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, क्या वेदर रिपोर्ट बोल रहा है, और उसी के हिसाब से हम अपना ट्रेवल वगैरह शेड्यूल करते हैं, ठीक है? उसके बाद क्लाइमेट लिखो, वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर ए लॉन्गर पीरियड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है, क्या है? और ये स्टेटिक होता है, ये चेंज नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? जैसे कहेंगे क्लाइमेट इतना जल्दी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है?
इसको चेंज होने में 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल, 100 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं बारिश हो रही है कि अचानक वहाँ डेजर्ट बन गया 100 साल बाद, तो ये चीज़ है क्लाइमेट। इसके बाद हम वेदर के अंदर ही, वेदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर राइज को मेजर करने के लिए, या ड्रॉ जो भी टेम्परेचर में ड्रॉप आ रहा है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करता है। बैरोमीटर यूज टू गॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक स्पेलिंग प्रेशर, ATMO, ये एटमॉस्फेरिक में गलत हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उसी तरीके से रेन गॉज होता है, रेन गॉज ये प्रकनली की तरह है, इसमें इसमें मेजरमेंट बना हुआ रहता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब जितने इस पर स्केलिंग है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसमें पानी के बूंद बारिश के इकट्ठे होंगे जब बारिश होगी तो। अब जितने सेंटीमीटर, मान लो 3 सेंटीमीटर इसमें पानी ही इकट्ठा हो पाया, 3 सेंटीमीटर मान लो, या 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर हो पाया, तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन बारिश कितना हुई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी से चेक करते हैं रेन गॉज इज यूज टू मेजर रेनफॉल, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हाँ, गॉज, गॉज मतलब मेजर करना, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल, इट मेजर अमाउंट ऑफ, मेजर्स लिख लो, मेजर्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक। इसके बाद विंड वेन हो जाता है। विंड वेन क्या करता है, विंड वेन क्या करेगा, आपका विंड का डायरेक्शन बता देगा, विंड वेन डायरेक्शन ऑफ, वो एक्यूरेट देता है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। बाकी आपको पता नहीं लग रहा है ना, आपको ऐसे डायरेक्शन पता है ना कि इधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। इसमें क्या होता है, ये इसमें देखिए, देखना पिक्चर में भी दिया है, ऊपर मुर्गा जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो नीचे जो है एक्सल से कनेक्टेड रहता है, उस पर हवा लगती है ना तो वो घूमना शुरू करता है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, जिधर की तरफ वो घूम गया मतलब डायरेक्शन उसी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसको मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो इधर से इधर की तरफ विंड फ्लो कर रही है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से डस्ट उड़ाओगे मान लो, तो किधर उड़ना चाहिए, इधर ना, तो ये डस्ट क्या है, इधर उड़ने लगेगा, इसका मतलब क्या है, वेस्ट साइड जा रहा है तो ईस्ट वाली, ईस्ट से डायरेक्शन वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट में खड़े हो ईस्ट के, इधर से यहाँ से डस्ट उड़ा रहे हो, इधर भागना शुरू कर दिया ईस्ट की तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो विंड आ रही है आपका वेस्ट साइड से, ठीक है ना। और ये नॉर्थ है, अगर नॉर्थ तरफ जाने लगी तो डायरेक्शन नॉर्थ का, पत्ते भी उड़ा दोगे तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर, पता चला नॉर्थ को साउथ बोल रहे हैं और साउथ को नॉर्थ कर रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि ये विंड चल रही है, ठीक है। इसके बाद तो अभी ये वेदर के कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, चलो आगे। वेदर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर छोड़ दो, एयर प्रेशर आता है, ठीक है,
एयर प्रेशर आता है, उसके बाद विंड, और कहाँ गया जी पॉइंटर? अच्छा लिखो, डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस ठीक है, क्या है ऑफ द एयर, ऑफ द एयर इज टेम्परेचर ठीक है। अभी वो बहुत आगे की बात है बेटा, आएगी, आप सही बोल रहे हो, तो सिर्फ वही नहीं चेंज करता है ठीक है, उसके अलावा और भी कंपोनेंट है, तो अभी धीरे धीरे हम पहुंचेंगे वहाँ ठीक है। हाउस कीपर इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाई होम, रिसीव बाई अर्थ, अर्थ फ्रॉम सन, अर्थ फ्रॉम सन जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है आपका अर्थ, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। तो ये सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करता है, ये क्या करता है अर्थ, सोलर एनर्जी को अपने देखो हमेशा क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है ठीक है। तो वैसे ही सन क्या है, हॉट है, अर्थ कोल्ड रहेगा हमेशा उससे ठीक है, या कोई भी प्लैनेट, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर चेंज डे टू डे, हमेशा जो है टेम्परेचर क्या दिन प्रतिदिन, दिन क्या घंटे के हिसाब से चेंज होते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर सर आधे घंटे में, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज आवर टू आवर, आवर टू आवर, डे टू डे ठीक है, और इवन इवन वन सीजन टू अनदर सीजन, वन सीजन टू अनदर सीजन, ध्यान दो, वन सीजन टू अनदर सीजन, मत ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा ऐसे ही ठीक है, मुझे इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है ठीक है, यहाँ पे सनलाइट ये हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इधर कम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करेगा, जबकि इक्वेटर पे क्या होगा, ज़्यादा होगा ठीक है। इस वजह से इक्वेटर पे क्या होगी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगी ठीक है, हॉट होगा ये ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल, ये इधर आपका पोल हो गया ठीक, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ पोल, साउथ पोल, तो इधर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, आपका इधर कोल्डनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है,
और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, सेंटर की तरफ बढ़ोगे, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। तो वार्म होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर वहाँ का वेदर। और टेम्परेचर सिर्फ इसी से नहीं होता है, और भी चीज़ें, टेम्परेचर राइज करने के पीछे बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। अभी ये पूरा टॉपिक मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा देखते होगे कि टेम्परेचर इन सिटीज इज मोर देन नियर बाई प्लेस, नियर बाई प्लेस। तो ये क्यों होता है, ठीक है। आपके बुक में कुछ और ही लॉजिक दिया है, बट वो सफिशिएंट लॉजिक नहीं है जो दिया है, वो मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है लिखना। हालांकि आप लोग वो लिखना रीजन ज़रूर। एक्चुअली क्या होता है, सिटीज़ में मैंने पहले ही बताया था, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, पॉल्यूशन और कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। ज़्यादा लोग कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है और रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2। तो इसके वजह से क्या होगा, अब ये CO2 बढ़ रहा है सब जगह, तो हीट वही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट जो मिल रहा है वो CO2 क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और पूरा आसपास क्या है, गर्म कर रहा है, ठीक है, पूरे सिटी को गर्म कर दे रहा है। प्लस यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, क्या बिल्डिंग बहुत टॉल बनाए हुए होते हैं, बड़ी हो या नहीं हो, छोटी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, दिन में ये सन से पूरे गर्म हो जाएंगे, है ना, गर्म हो गए। अब बाद में ये धीरे धीरे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब आप खाली जगह में जाओगे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ तो बिल्डिंग है नहीं, तो वहाँ वैसे भी गर्म नहीं होगी, और वहाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चलता है, तो वहाँ हमेशा टेम्परेचर कम मिलेगा और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ में आया। वहाँ नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स ज़्यादा होंगे, सिटीज़ में कॉलोनी ज़्यादा हैं, बिल्डिंग ज़्यादा हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं। 1 किलोमीटर में पता चला कि 3,000 लोग रह रहे हैं, 5-5 मंजिला, 50-50 मंजिला बनाकर, ठीक है, जैसे मुंबई की हालत, तो दिल्ली की हालत, तो गुड़गांव की भी वैसी कंडीशन है, ठीक है। हम लोग जब हैदराबाद थे, वहाँ पे हाईटेक सिटी में बिल्कुल ग्राउंड थे, पालम में भी नहीं थे, और पेड़ पौधा बहुत ही पालम का बहुत स्थिति खराब है। पालम में आज गाड़ी खड़ी करो ना घर के अंदर, तो अगले दिन मोटी लेयर वो डस्ट की जमती थी, ठीक है। आप जब बाहर निकलोगे तो कितना अमाउंट ऑफ जो है ना डस्ट आपके अंदर, वो PMI पार्टिकल होता है ना जो परमिटेबल है, उससे ज्यादा, हाँ, तो वहाँ बहुत बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो देखो अब 1 मिनट, बिल्डिंग ये है, ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर एस्फॉल्ट लगा, ए अब चुप हो जाओ, हो गया ना, टारपोलिन लगा रहता है, टारपोलिन लगा हुआ क्यों रहता है, ये सीपेज उपेज हो जाता है ना, तो उसको उससे प्रोटेक्शन के लिए रूफ को क्या करते हैं, ब्लैक टारपोलिन लगाते हैं। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके वजह से और टेम्परेचर, एक नॉर्मल ऐसे उसका सरफेस होता और टारपोलिन लगा दिए तो ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा है, समझ में आया। तो ये सब की वजह से वार्म आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एयर प्रेशर, ठीक है।
और टेम्परेचर में चेंजेज की वजह से ही, मान लो यहाँ 10 डिग्री है और एक जगह 30 डिग्री है, तो होता क्या है जनरली, जब ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ अर्थ के पास जो भी कांटेक्ट में एयर है, ठीक है, ये क्या होगा, गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है, ये ऊपर राइज कर गया और ये जगह खाली हो गया, ये खाली हो रहा है, ठीक है, तो खाली होगा तो यहाँ से हवा जो है इस जगह को फील करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोल्डर है, यहाँ कोल्डर है, तो यहाँ से फील करने के लिए यहाँ वापस आएगी और इस तरीके से विंड फ्लो होता है, विंड फ्लो का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हमेशा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, याद रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ लो प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ हाई प्रेशर बिल्टअप होगा। और सबसे बड़ी इसमें एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, जितने भी क्रिएचर अर्थ पे हैं, ठीक है, आपको मालूम नहीं है आपको कितना केजी एयर दबा के रखे हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर चारों तरफ से लगा रहा है, हर तरफ से आपको लगा रहा है, और बॉडी भी आपका क्या कर रहा है, बॉडी उसी के रिएक्शन में ओपोजिट में ये भी ताकत लगा रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, यही आप मून पर चले जाओ या स्पेस में चले जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नहीं, ठीक है, और आपका बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके मुंह नाक से खून आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, टिश्यूज वगैरह सब यह सब फटने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल सूट यूज करते हैं जो अंदर उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर मेंटेन रहता है, बॉडी के हिसाब से कम ज़्यादा वो कंट्रोल करता है, ठीक है, एडजस्ट करते रहता है उसके वजह से, तो वहाँ विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिंदा रह ही नहीं सकते, वहाँ रुक ही नहीं सकते वो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर्टिफिशियल क्रिएट करके उनका जैकेट में डाला हुआ होता है, ठीक है, तो लिखो एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कितनी छोटी हो, ठीक है, हर्षिता ने बंद कर दिया क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जब क्लास चल रही है ना तो आप लोग बात नहीं करिए, किसी दिन मैं ना पूरा क्लास सस्पेंड कर दूंगा, एक के बदले में ना जिसको पढ़ने का मन होगा ना फिर उसका भी लॉस होगा, फिर समझना आप लोग, और उसके लिए आप लोग सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं अगर बात कर रहे हो तो। सर आपने क्या लिखा है, एक्सीलेटेड, बात करते रहो पता चलेगा, सर राइटिंग ही वैसे लिख रहे हैं आप, मैंने बात नहीं की अभी, ये सब बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी से छोटा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, बात नहीं कर रही है, मैं मेरे को आवाज नहीं मिल रहा, सिंपली पूछा है राइटिंग क्या लिखा है आप, प्रेशर एग्जर्टेड
बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है. टेम्परेचर राइजेज एज वी गो अप. टेम्परेचर राइजेज एंड द प्रेशर रैपिडली फॉल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर rapidly decreases. कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. जैसे जैसे हाइट के साथ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे यह डिक्रीज करना शुरू करेगा. हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस. इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइजेज. तो जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा मैंने पहले ही बता दिया है एज वेयर टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइजेज अप. दिस क्रिएट विच लीड्स टू create low pressure zone. In the area where bolo नहीं आरएमसी में मैं ज़्यादा थकूँगा. अभी इतना एनर्जी नहीं है. 9 बज गया अभी आरएमसी नहीं पढ़ाएंगे. नहीं अभी कोई डाउट क्लियर नहीं. अभी नहीं. इन द एरिया वेयर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. Due to this high pressure zone is created.
एयर, और इसके वजह से द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। To feel empty a space. इसके बाद विंड आ जाएगा, ये सारे वेदर को इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या हुआ वो, उससे क्या करना है? विंड, विंड जो होते हैं तीन टाइप के जनरली क्लासिफाइड किया गया है, परमानेंट विंड, लोकल विंड और सीजनल विंड। तो सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज विंड। मूवमेंट ऑफ एयर, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन इज known as wind। लो प्रेशर जोन ट्रेड विंड वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज इज क्लासिफाइड एज परमानेंट विंड। नाम से क्लियर है, इट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू द एयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन इज फिक्स्ड, इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड होगा। लोकल विंड ब्लो ओनली डूरिंग, ब्लो डूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, पर्टिकुलर कूलर पीरियड बता रहे हैं, पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे
और ईयर, और ईयर, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, हाँ जी बोलो सर। ये नीचे सर ये ट्रेड विंड लिखा है ना, उसके राइट साइड में वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज लिखा हुआ है। अभी सीजनल विंड चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन एज पर सीजन, ये सीजन के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे इंडिया का मॉनसून, एग्जांपल में आप मॉनसून को ले सकते हो, मॉनसून, मॉनसून कंप्लीटली लिख लेना, ठीक है। हो गया? Yes, sir. ए देवान सुनो, हाँ बेटा, बेटा नो 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 नहीं बेटा, पापा, हाँ बोलो तब तुमको बुलवाएंगे। देवांशु शैतानी नहीं करना, ये वाला जोन आपका हाई प्रेशर जोन होता है, हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ये वाला हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। ये वाला जोन, ये लो, देवांशु नो 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 नो, लो प्रेशर जोन यहाँ, नो नो, फिर मारेंगे, अभी जाओ ये तुम, देखो यहाँ से जो विंड फ्लो होगा, यहाँ से विंड का डायरेक्शन इधर होगा ऐसे, ठीक है। ये वाले बेल्ट को बोलते हैं सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर LP, ठीक है, ठीक है। ये सब